में इस छाते का जवाब नहीं है। जानती हो कैंडिस, मैं उस वक्त ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारी जो बात मुझे पसंद है वो रुको, बाद में बताना, मैं अभी आई। मॉम, मॉम, बैकयार्ड में बारिश किया। वो पास जा रहा है, वो अपनी आंखों में देख रहा है, वो अपना मुंह खोल रहा है, वो अपने होठों को और जीभ को हिलाकर वो शब्द बोलने वाला है। बता दो जुआन, बता दो तुम उसे क्यों चाहते हो। बहुत चाहता हूँ, नहीं समझे। गेम बहुत ही रोमांचक हो रहा है। क्या? नहीं। उस गेट का लैच ठीक करवाना ही पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने सारी सावधानियां बरती थी, मेरे पास रेनिनेटर था, तुम कैद में थे। तुम्हारा सत्यानाश हो प्लैटिपस पेरी। इस बार पानी का बिल बहुत ज्यादा आने वाला है। तो पता चला तुम जेरेमी को अच्छी क्यों लगती हो? जेरेमी, अब बताओ, जब बता रहे थे मैं अच्छी क्यों लगती हूँ। ठीक है, तुम मुझे अच्छी लगती हो क्योंकि गोल्डन शेड कितना परफेक्ट है ना, और उसके नाक पे जो छोटा सा रिंकल है कितना क्यूट है ना। और जानती हो जब जेरेमी, स्टेसी, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए अपनी आहा की साउंड रिकॉर्ड किया है ना, ताकि मुझे लगे तुम मेरी बात सुन रही हो। स्टेसी, सुन डाउन। मुझे दोष दे रही हो? जेरेमी और मैं मूवी देख रहे थे। जेरेमी का घर बहुत सुंदर है, कभी देखा वो जेरेमी का दिल कितना खूबसूरत लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे मिलती ही हो जेरेमी की बातें करने के लिए। स्टेसी, मैं तुम्हें मिस करती हूँ कैंडिस। मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम साथ में वक्त बिताया करते थे, और तुम्हें शायद याद भी नहीं है कि आज डैनविल स्ट्रीट फेयर है। स्टेसी, आई एम सो सॉरी, आज मैं जेरेमी से मिलना कैंसिल कर दूंगी। मुझे आधे घंटे बाद कैफे में मिलो, वहीं से स्ट्रीट फेयर जाएंगे, और इस बार सिर्फ हम दोनों होंगे, वादा करती हूँ। सच्ची? ग्रेट, पर जेरेमी बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर मैंने उसका नाम भी सुना ना, मैं वादा करती हूँ मैं ये वादा नहीं तोड़ूंगी। थोड़ी देर में मिलते हैं। जेरेमी को बता दूँ? एक मिनट, फोन क्यों करूँ जबकि मैं उसे ये बात वहाँ जाकर बता सकती हूँ। बात हो गया इजाबेला, आज तुम्हें कैसे भी फिनियस को अपने साथ वक्त बिताने के लिए मजबूर करना होगा। मैं ये कर सकती हूँ। क्या कर रहे हो? हे इजाबेला, हम एक रोबोट डॉग बना रहे हैं, जैसे हमने टाइटल सीक्वेंस में बनाया था। शायद बंदर को नहलाना ही अच्छा है। तो फिनियस, ये काम पूरा हो जाने के बाद हम नई बच्चे मन के सच्चे मूवी का प्रीमियर देखने चले? ओह क्यों नहीं, अच्छा रहेगा। मूवी देखना चाहूंगा। सॉरी, पर मेरे पास सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा टिकट है और हाउसफुल हो चुका है, तो मैं सोच रही थी कि मैं और फिनियस ही चले जाए, तो प्लीज तुम बुरा मत मानना। हाँ, यहाँ का काम खत्म होने के बाद वो वायरिंग हो गई, फिर ठीक लग रहा है। हे पेरी कहाँ है? आराम से हो ना पेरी द प्लैटिपस, मैंने वो प्लैटी रैक बनवाया ताकि कोई भी हाथ पैर बाकी न रह जाए। तो ये सारा झमेला क्या है? असल में बस दो ही चीजें थी जो मेरे दुख भरे बचपन में थोड़ी सी खुशी लाती थी, मेरा विशाल पालतू कॉकरोच होर फ्रॉस्ट और लहसुन की आइसक्रीम। मुझे ये दो चीजें इतनी पसंद थी कि मैंने सोचा अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया तो इनका मजा दुगना हो जाएगा। तो पेश है मेरा कम्बाइनेटर। अपने कम्बाइनेटर से आखिर मैंने बना ही डाला ये ट्रिपल स्कूप लहसुन रोज कोन। सो गुड। हाँ, तो मैं कह रहा था, मुझे वो छोटा सा आइलैंड याद आया जिसे मैंने वेगस के फ्री ट्रिप के दौरान खरीदा था, और फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपने छोटे से आइलैंड को ट्राइस्टेट एरिया के कैपिटल के साथ कंबाइन कर दूं, जैसे कि तादा, तो कानूनी तौर पर हमारे लोकल प्रॉपर्टी लॉस के मुताबिक ट्राइस्टेट एरिया पर सिर्फ मेरा राज होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसके लिए मुझे बहुत सारा पेपर वर्क करना होगा, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मशहूर वकीलों की टीम है, वो कानून के हर बारीकी का ध्यान रखेंगे। इस बार मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। ओ, कैसी हो कैंडिस? हाय मिसेस जॉनसन, जेरेमी है। अंदर आओ, वो वहाँ बैठा है। ये ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस रात भर सोया नहीं, पहले डे शिफ्ट में काम करता रहा, फिर नाइट शिफ्ट में चला गया, फिर जब घर वापस आया एक पूरा चिकन खाया, एक लीटर दूध पिया और तब से सोफे पे पड़ा है। कितना प्यारा है, मुझे लगता है अगले थर्सडे तक नहीं उठेगा। तुम कोशिश करना चाहती हो तो कर लो। थैंक्स। सोते हुए कितना क्यूट लगता है जेरेमी। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। और मैं अपनी संस्था की ओर से ये विशाल प्रोग्राम। तो स्टेसी और मैं एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ।